दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक महान गणितज्ञ, भौतिकी वैज्ञानिक, ज्योतिषी एवं दार्शनिक आइजैक न्यूटन की। उन्होंने गति के सिद्धांत और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के नियम आदि की खोज की। आइए न्यूटन के जन्म और प्रारंभिक जीवन से शुरू करते हैं। दोस्तों, न्यूटन का जन्म जर्मनी में 4 जनवरी 1643 को हुआ था। उनके पिता एक किसान थे, उनका नाम सर आइजैक न्यूटन था। उनके पिता की मृत्यु उनके जन्म लेने से 3 महीने पूर्व ही हो गई थी। न्यूटन की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव के ही स्कूल में हुई। 12 साल की उम्र में वे पढ़ने के लिए ग्रंथन के किंग स्कूल में प्रवेश लिया और वहां एक फार्मासिस्ट के घर रहने लगे, जिनका नाम क्लर्क था। दोस्तों, क्लर्क एक फार्मासिस्ट थे, इसलिए उनके पास रासायनिक और प्रायोगिक किताबें बहुत ज़्यादा थी और न्यूटन उन्हीं की सारी किताबों को पढ़ा करते थे और उनके प्रयोग को भी करते थे। कुछ साल पढ़ाई करने के बाद उन्होंने वहां से इंटरमीडिएट पास कर लिया। दोस्तों, उसके बाद वे 19 वर्ष की अवस्था में इंग्लैंड के ट्रिनिटी कॉलेज में प्रवेश लिया और सन 1665 में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली। न्यूटन अपने ही घर पर सन 1665 से 1667 तक रहे और अपने प्रयोग का प्रदर्शन अपने ही गांव में करने लगे और उसके बाद वह कैम्ब्रिज चले गए और उन्होंने वहां से मास्टर की डिग्री प्राप्त की। आइजैक न्यूटन अपने गणित के अध्यापक से काफ़ी प्रिय थे। न्यूटन जिस कॉलेज से मास्टर की डिग्री प्राप्त कर रहे थे, उस कॉलेज में प्रोफेसर ने दूसरी नौकरी के लिए प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दे दिया था। तभी उनके गणित के अध्यापक ने न्यूटन को उस पद पर धारण करने के लिए कहा और न्यूटन ने उनकी बात को स्वीकार किया और वह गणित के प्रोफेसर बन गए। दोस्तों, न्यूटन अपने प्रयोग को और आगे ले जाने के लिए और ज़्यादा खोज करने लगे और न्यूटन ने गति यानी मोशन के 3 नियम खोजे। दोस्तों, ऐसे महान साइंटिस्ट की मृत्यु 13 मार्च 1727 को जर्मनी में हो गई। बताया जाता है न्यूटन की मृत्यु के बाद इनके शरीर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मरकरी पाया गया था, जो कि उनके रासायनिक कार्यों को करने की वजह से था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मिलेंगे ऐसे ही एक नए मोटिवेशनल बायोग्राफी के साथ। तब तक के लिए आपके अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।